ऐसा तो बहुत बार हुआ होगा जब आपने किसी अपने फेवरेट कैरेक्टर या कहानी को मूवी या टीवी शो में देखा हो और आपको ऐसा लगा हो कि भाई मैं तो इससे और अच्छा बना सकता हूँ, या मैं बनाता तो ऐसा बनाता या वैसा बनाता। वेल, जितने टाइम में आप सोच रहे होते हैं वहीं पर दूसरी ओर कुछ लोग इसे सीरियसली भी लेते हैं और एक्चुअली अपने फेवरेट कैरेक्टर्स और कहानियों के अपने वर्जन सबके सामने लेकर आते हैं जो बहुत बार काफी अच्छे होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही बेहतरीन 8 शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें डेफिनेटली आपको जरूर देखना चाहिए। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पस वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइव एक्शन में पोकेमोन्स को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट मानना पड़ेगा क्या खूबसूरती से डिटेक्टिव पिकाचू के अंदर हमें लाइव एक्शन पोकेमोन को दिखाया गया था। वेल, ये पहला अटेम्प्ट नहीं था और फैंस ने इससे पहले भी कई बेहतरीन अटेम्प्ट किए हैं, जहां पर सबसे पहले आता है पोकेमोन एपोकलिप्स, जिसे 2010 में केएल नटेले ने डायरेक्ट किया था। और ये बेसिकली सेराडॉन सिटी की एक काफी डार्क स्टोरी है जिसके प्रोटैगनिस्ट एनिमे के 3 लीड यानी एश, ब्रॉक और मिस्टी थे। वहीं पर पोकेमोन्स की बात की जाए तो इनका लुक काइंड ऑफ अ काम चलाओ ही था, बट हे, इट वॉज अ फैन फिक्शन मूवी। और 2.5 मिनट के इस टीजर स्लैश शॉर्ट फिल्म के अंदर ये अपना पर्पस पूरी तरह से पूरा करते हैं। ऊपर से इम्फेसिस यहाँ पर डार्क टोन के ऊपर था। इसके अलावा पोकेमोन डार्क एडिशन इससे और कहीं ज्यादा डार्क शॉर्ट फिल्म थी, जिसे एक्चुअली नो वन स्टूडियो के 4 दोस्तों ने क्रिएट किया था। और ये बेसिकली एक फुल्ली CGI शॉर्ट फिल्म स्लैश ट्रेलर है, जिसके अंदर पोकेमोन की एक डिटेक्टिव कहानी को रियलिस्टिक CGI के थ्रू दिखाया गया है, जिसमें पोकेमोन्स के डिजाइन को रियल लाइफ क्रिएचर्स के ऊपर मॉडल किया गया था। भाई ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो कम से कम पोकेमोन डार्क एडिशन का तो एक स्पेसिफिक मूवी या एडॉप्टेशन बनना ही चाहिए। दुनिया भर में डेडपूल को फैन फेवरेट बनाने में रायन रेनॉल्ड्स का एक बहुत बड़ा हाथ है, बट अकेले वही नहीं थे जिन्होंने डेडपूल की लाइव एक्शन को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। और एक्चुअली 2012 में डेडपूल अ टिपिकल ट्यूजडे नाम की एक 17 मिनट की शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्टर कीथ ब्रुक्स ने 2 दिन के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ $500 के बजट पर बनाया था, जिसमें डेडपूल की कई सारे ट्रेडिशनल पर्सनैलिटीज की ट्रेट्स, एटीट्यूड और बिहेवियर को काफी अच्छे से कैप्चर किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर कॉमिक बुक्स के भी काफी अच्छे हिंट्स और नॉट थे। ऑफ कोर्स यहाँ पर डेडपूल के उतने अच्छे कॉस्ट्यूम भी नहीं है, न ही इसमें कोई खास विजुअल इफेक्ट शॉट्स दिखाए गए हैं, बट $500 में बना हुआ किसी शॉर्ट फिल्म से आप क्या ही उम्मीद करोगे। और एज अ पर्सनल हॉबी प्रोजेक्ट के हिसाब से भी ये मूवी काफी अच्छी है, जो कम से कम कॉमिक बुक जस्टिस तो करती है। वहीं पर कॉमिक बुक जस्टिस से फैन जस्टिस की भी बात कर लेते हैं, जहां पर हमने देखा था कि हैरी पॉटर के लोर के अंदर द मैराडूअर्स सिवरस स्नेप के लिए बेसिकली एक बुली थे, बट कभी उसे लाइव एक्शन में द मैराडूअर्स से अपना बदला लेते हुए नहीं दिखाया गया था। वेल, 2016 की जस्टिन जागरी की सिवरस स्नेप एंड द मैराडूअर्स इसी क्लैश को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है, और सिवरस स्नेप के सिंपथाइजर्स को ये मूवी काफी अच्छे से सेटिस्फाई कर सकती है, जिसमें सिवरस स्नेप एक्चुअली द मैराडूअर्स पर भारी पड़ता है। इस शॉर्ट फिल्म के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन डुअल को तो दिखाया गया है, बट उसकी विजुअल इफेक्ट क्वालिटी मूवी के बराबर नहीं है, फिर भी एक शॉर्ट फिल्म के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। क्लार्क केंट को हर मीडियम में उसके कभी न कभी अल्टर ईगो यानी ताकतवर सुपरमैन के रूप में ही जरूर दिखाया गया है, जो दुनिया के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी जान पर खेलता है, बट कभी कभार वो नॉर्मल इंसान की तरह भी जीता है। और मेरे हिसाब से फैंस को ये भी दिखाना सुपरमैन को फैंस के और करीब लाने की जैसा है, जिसे एक्चुअली सुपरमैन की 1-on-1 शॉर्ट फिल्म के अंदर दिखाया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था जैक थॉमस ने, जिसमें क्लार्क केंट बिना सुपर हीरो का सूट पहने ही एक ट्रबल्ड यूथ को सही रास्ता दिखाकर सुपर हीरो का काम करता है, जो एक्चुअली अंत तक काफी इमोशनल भी हो जाता है। और यहाँ पर क्लार्क केंट के रूप में जॉन नेगल ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। साथ ही साथ इस शॉर्ट फिल्म को अकेले ही कई सारे मल्टीपल अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो अगर आपका भी मन अपने सुपरमैन को अलग नजरिए से देखने का है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप टेलर स्विफ्ट के एक फैन हैं, तो आपने उनके म्यूजिक वीडियो में एक नाम जरूर देखा होगा, जोसेफ कान का, जो बेसिकली एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़े म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन 14 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स ओरिजिनल पावर रेंजर्स के ऊपर बनाई थी। और ये बेसिकली उन्हीं ऑडियंस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रीट है जो बचपन में इस शो को देखा करते थे और इस शो को देखकर बड़े हुए हैं, क्योंकि इसका टोन काफी ज्यादा डार्क है और इसमें पावर रेंजर्स को वॉयलेंस करने से पीछे नहीं रखा गया है। साथ ही साथ इस शॉर्ट फिल्म का विजुअल इफेक्ट भी ओरिजिनल पावर रेंजर्स सीरीज से भी कहीं बेहतरीन है।
अनफॉर्चुनेटली इस शॉर्ट फिल्म के आने के बाद पावर रेंजर्स की ऑफिशियल मूवी अडॉप्टेशन आई, जिसका कुछ खास असर बढ़िया देखने को नहीं मिला। अगर सबैन और हैसब्रो इस शॉर्ट फिल्म को गौर से देखने की कोशिश करें तो शायद उनको इस सीरीज को एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट बनाने का इंस्पिरेशन तुरंत मिल जाएगा। 2000s के जमाने में ड्रैगन बॉल जी का एक बहुत ही अलग क्रेज था और उसी क्रेज को भुनाने के लिए यहाँ पर ड्रैगन बॉल इवोल्यूशन नाम का एक लाइव एक्शन मूवी रिलीज किया गया था। बस फर्क यही है कि इस मूवी को देखकर ट्रू ड्रैगन बॉल जी फैंस की उल्टी निकल जाती है, क्या बवासीर बना दिया हो। बट उन्हीं को ड्रैगन बॉल जी द लाइट ऑफ होप नाम की ये शॉर्ट फिल्म काफी अच्छे से सेटिस्फाई कर सकती है, जिसे ऑफ कोर्स इस फ्रेंचाइजी के फैंस ने ही खुद बनाया है, जिसमें एक कहानी फ्यूचर के ट्रंक्स की कहानी है जो गोहान के अल्टरनेट फ्यूचर वर्जन से लड़ते हैं। ऑफ कोर्स इस शॉर्ट फिल्म में दिखाए हुए कई सारे सीक्वेंसेस एनिमे से डायरेक्टली इंस्पायर्ड हैं और बहुत हद तक उन्हें रिस्पेक्ट दी गई है। साथ ही साथ 2015 में इसे 3 पार्ट का एक पूरा का पूरा मिनी सीरीज बनाया गया था, जिसमें क्राउड फंडिंग के थ्रू $66,297 लगाए गए थे और पहली नजर में ये सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। वहीं पर जब बात निराश करने की आ रही है तो कम से कम एज अ फैन आप ये बात तो अग्री करेंगे ही कि प्लेस्टेशन की एक्सक्लूसिव गेम सीरीज अनचार्टेड में नीथन ड्रेक का कैरेक्टर टॉम होलैंड के रूप में उतना अच्छे से सूट नहीं किया, बट जिस पर ये रोल काफी जमा वो थे नीथन फिलियन, जिन्होंने इसकी शॉर्ट फिल्म में नीथन ड्रेक का कैरेक्टर प्ले किया था। और भाई साहब एलन नुगवार द्वारा डायरेक्टेड क्या शॉर्ट फिल्म है ये, जहां पर हॉलीवुड के कई सारे बेहतरीन कास्ट को भी लिया गया था। इसमें विक्टर सलीवन का कैरेक्टर यहां पर स्टीफन लैंग ने प्ले किया था। साथ ही साथ कॉम्बैट और एक्शन के सीन्स के अंदर कई सारे ऐसे कैमरा एंगल्स का भी इस्तेमाल किया गया है जो ऐसा ही फील कराते हैं कि आप अनचार्टेड की किसी गेम के ही अंदर हैं। इस शॉर्ट फिल्म से बहुत कुछ सीखा जा सकता था, इसे सोनी पिक्चर्स ने टॉम होलैंड के अडॉप्टेशन में यूज नहीं किया। अब शॉर्ट फिल्म या फैन स्टोरीज को लाइव एक्शन में बनाना तो बहुत आसान होता है, बट बहुत बार इसे एनिमेशन में कर पाना बहुत मुश्किल होता है, वो भी स्टाइलाइज्ड विजुअल्स के साथ। बैटमैन ब्रोकन प्रोमिसेस पूरी तरह से वर्थ है वार्नर ब्रोस के द्वारा फंड करके इस पर एक पूरी की पूरी फुल लेंथ मूवी या एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए, जिसमें बैटमैन को अपने फुल ऑन डिटेक्टिव मोड के अंदर दिखाया गया है और एज एन एनिमेटर स्टीफन टम्बल ने अपने आप को बहुत ही बेहतरीन साबित किया है। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से शॉर्ट फिल्म्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं आपको जल्दी ही एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।